everyone, welcome in Education Point. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट इज द गुटेशन. ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जो कि प्लांट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं इन द एनवायरमेंट. ऐसा क्यों करते हैं प्लांट? जस्ट लाइक अ कूलिंग प्रोसेस. ये प्लांट की एक्चुअली कूलिंग प्रोसेस है, जस्ट लाइक ऑफ अ ह्यूमन बींग्स. क्या होता है हमारे में कूलिंग प्रोसेस? स्वेटिंग ग्लैंड्स ना, स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड बिकम एक्टिव और आपका स्वेट जो है वो बाहर निकलता है टू रिड्यूस योर टेम्परेचर. ठीक है, तो आपकी बॉडी को कूल करने वाली प्रोसेस है स्वेटिंग. लेकिन प्लांट के लिए कूल करने वाली प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन. और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं. एनवायरमेंट में ये बहुत बेनिफिशियल है. ये अमाउंट ऑफ वाटर का एनवायरमेंट में कैसे बेनिफिशियल है? यही क्लाउड बन के आपको रेन दे देते हैं अर्थ पे. ओके, अब ये जो ट्रांसपिरेशन हुआ है प्लांट की किस पार्ट के थ्रू हुआ है कि और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन भी बनता है. देखिए, ट्रांसपिरेशन प्लांट के कौन कौन से पार्ट से होगा? लीव्स के में प्रेजेंट स्टोमेटा से होगा. ओके, स्टोमेटा आपके लीफ में प्रेजेंट होते हैं और यंग स्टेम में प्रेजेंट होते हैं. यंग स्टेम कैसे पहचानोगे? अगर प्लांट की ग्रीन कलर की स्टेम है, दिस वन इज अ यंग स्टेम. अगर प्लांट की ब्राउन कलर की स्टेम है, दैट मीन्स इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है. ओके, अब ब्राउन कलर की अगर स्टेम है तब वहाँ पे आपको कुछ दरारें भी दिखाई देंगे. तो ये दरारें क्या है एक्चुअली? ओके, बीच बीच में जो दरारें पड़ जाती हैं एक बड़ी वुडन स्टेम में, दिस वन इज अ कॉल्ड लेंटिसल. लेंटिसल वो स्पेस है जहाँ से प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा है. कि इतना बड़ा प्लांट है तो इसको रेस्पिरेशन के लिए गैसेस चाहिए, बाहर निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए. तो लेंटिसल का भी यूज़ करता है वो, स्टोमेटा का भी यूज़ करता है, लेंटिसल का भी यूज़ करता है. तो लेंटिसल याद रखेंगे, जो बड़े बड़े आपको ट्री ट्रंक दिखाई दे रहे होते हैं जो वुडन हो चुके होते हैं, उनके ऊपर जो दरारें होती हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड लेंटिसल. लेंटिसल के साथ साथ और कहाँ से रेस्पिरेशन होता है? बार्क. बार्क भी आपको बड़े बड़े ट्रीज में दिखाई देगा, जिसकी स्टेम वुडन हो चुकी होती है, ऊपर की लेयर्स हटने लगती हैं. तो एक्चुअली दिस वन इज अ बार्क. तो बार्क से, लेंटिसल से, स्टोमेटा से ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है. अब बात आती है, ये ट्रांसपिरेशन जो बाहर निकल रहा है अमाउंट वाटर का ही है या कुछ और भी है इसमें? ना, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ वाटर ही मिलेगा. दिस वन हैव अ प्योर वाटर कंपोनेंट. ना तो कोई मिनरल्स मिलेंगे, ना कुछ आयंस मिलेंगे, आपको सिर्फ प्योर वाटर ही मिलेगा. यहाँ पे आओगी गुटेशन. गुटेशन भी वाटर के अमाउंट का लॉस है, बट इस वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं वाटर के साथ साथ. ये ट्रांसपिरेशन तो आपकी ड्यूरिंग द डे हो रही थी, जब सनलाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मैंने बताया ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम हो रहा है. बट गुटेशन ऐसा नहीं होता है. ग्यूटेशन ड्यूरिंग द नाइट परफॉर्म होता है या अर्ली इन द मॉर्निंग परफॉर्म होता है. ओके, अब ऐसा क्यों होता है? प्लांट ने क्या किया है? सॉइल से मिनरल और वाटर ले रहा है. ओके, उसका यूज़ कर रहा है फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाएगा तो उसका यूज़ हो जाएगा, बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है. द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है प्लांट के पास, तो ड्यूरिंग द नाइट ये इसको बाहर एक्सपेल करना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली. तो ये प्लांट के किस पार्ट से आता है? ये प्लांट के सिर्फ और सिर्फ लीफ पार्ट से ही बाहर निकलेगा. ओके, लीफ के कौन से पार्ट से बाहर निकलता है ये देखेंगे. जनरल लीफ का स्ट्रक्चर है बेटा. लीफ जिस पार्ट से स्टेम से अटैच होगा उसको पेटियोल बोलेंगे. ये लीफ का मार्जिन है, किनारे किनारे का जो पार्ट है ना, दिस वन इज द एज ऑफ लीफ. एज ऑफ लीफ, दिस वन कॉल्ड अ मार्जिन. एज ऑफ लीफ इज कॉल्ड अ मार्जिन. मार्जिन के साइड्स में जो पोर्स हैं वहाँ से वाटर एंड मिनरल निकलना स्टार्ट होंगे और टिप पे आपको आते हुए टपकते हुए दिखाई भी देंगे. तभी आपने मे बी नोटिस भी किया हो, अर्ली इन द मॉर्निंग ग्रासेस के ऊपर, लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है. एक्चुअली दीज ड्रॉपलेट्स आर द वाटर प्लस मिनरल्स. अच्छा, अब ये अगर अर्ली इन द मॉर्निंग आपने नहीं देखा है, बाद में अगर आप देखेंगे, वाटर तो क्या होगा ना, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना. जो लीफ की सरफेस पे वाटर होगा ना, वो तो चला गया एनवायरनमेंट में, है ना. वाटर को अगर आप ज़मीन पे भी छोड़ दोगे तो वो ड्रॉपलेट बचेगा नहीं, उड़ जाएगा, है ना. थोड़ी देर बाद आप देखोगे अगर, तो
तो यहाँ पे लीफ को अगर थोड़ी देर बाद आप कुछ घंटों बाद देखोगे तो उसके ऊपर आपको क्रिस्टल के ड्रॉपलेट, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डॉटेड दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है जो मिनरल्स थे उनके आपको क्रिस्टल ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ दिखाई दे रहे हैं आफ्टर द ग्यूटेशन। क्लियर? तो यहाँ पे है इट लीव्स क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स, और यहाँ पर है इट डज नॉट लीव एनीथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के सर्फेस पे ट्रांसपिरेशन के कोई निशान नहीं मिलते आपको, जबकि ग्यूटेशन का निशान इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ग्यूटेशन में मिनरल्स भी हैं, ट्रांसपिरेशन में मिनरल्स हैं नहीं, कि ट्रांसपिरेशन आपको दिखाई भी नहीं देगा बेटा। जब आप किसी प्लांट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखोगे, एक बीकर में, ग्लास के कवर में रखोगे, तब वहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। बट नेचुरल नेकेड आई से आप देखोगे तो जनरली नहीं दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे आ जाओगे, ये लीफ के का इंटरनल स्ट्रक्चर है। लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाली लेयर है, दिस वन इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। ध्यान से सुनोगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दोनों पे ही स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आपको पता है ओपनिंग है ना, ये गार्ड सेल्स बीन शेप के होते हैं, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। बीच में स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे इनके पास अपना न्यूक्लियस होगा एंड क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं। इसके अराउंड जो सेल्स है उसको कहेंगे सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल हिंदी में सहायक सेल, सब सीडरी सेल। अब यहाँ पे इसके अराउंड प्रेजेंट है आपके एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस में तो खुद है ही ना ये, तो ये एपिडर्मिस टिश्यूज और सेल। अब स्टोमेटा कब खुलते हैं? जब ये टर्जिट होते हैं, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब ये फ्लासिड होते हैं तो उस पर आपका ये जो है सोमैटो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब फाइनली लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होंगे, ये बता दिया मैंने आपको। क्या स्टैम पे स्टोमेटा होते हैं? यस, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम स्टैम पे स्टोमेटा होते हैं या नहीं होते हैं या सिर्फ लीफ पे ही प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, स्टैम पे स्टोमेटा होते तो हैं लेकिन यंग स्टैम पे बस, जो आपको ग्रीन कलर के स्टैम्स दिखाई देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये नाउ दिस वन इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन वाटर पोर्स, यस ओनली वाटर पोर्स ऑन द लीव्स। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको ग्यूटेशन सिर्फ लीफ से होगा, यहाँ पे बार्क से भी हो सकता है, लेंटिसल के थ्रू भी हो सकता है और आपका स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, लीफ से या और स्टेम से, दोनों से ट्रांसपिरेशन परफॉर्म हो सकती है। ओके, तो मे बी आपके डाउट्स सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।